सो हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल टाइम। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, जब आप अपनी यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है तो आपको एक फीचर मिला हुआ है स्टोरी टैब का। अभी आप जाके देखो अपने चैनल पे तो गाइस स्टोरी टैब का फीचर आपके चैनल पे से रिमूव हो गया होगा। अब गाइस, जब मैं सो के उठा सुबह, मैंने अपने चैनल को चेक किया तो गाइस मुझे भी स्टोरी टैब वहाँ से रिमूव देखने को मिला, तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ। मुझे लगा ये स्टोरी टैब मेरे चैनल पे से क्यों हटा दिया गया है, क्या मुझे पनिशमेंट मिली है या क्या पता स्ट्राइक लगी हो इस वजह से। मेरे को ये स्ट्राइक तो नहीं लगनी चाहिए गाइस, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं करता हूँ जिसके वजह से मेरे चैनल पे स्ट्राइक आए। तो गाइस, मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि स्टोरी टैब यहाँ से रिमूव क्यों हुआ। तो गाइस, उसके बाद जो है मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्टोरी टैब मेरे चैनल से क्यों रिमूव हुआ है। ऐसा कोई वायलेंस तो किया नहीं है मैंने गाइडलाइन को या यूट्यूब की पॉलिसी को जिस वजह से जो है मेरे को स्ट्राइक लगी हो, चाहे कोई भी हो पनिशमेंट दी हो यूट्यूब ने। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं था मेरे चैनल पे। सो गाइस, मैं आपको फाइनली दिखाना चाहूँगा मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके। सो गाइस, फाइनली जो है हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जाके मैं अपने यूट्यूब में जाके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने चैनल पे चला जाता हूँ और चैनल पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे स्टोरी का एक ऑप्शन जो आता था कम्युनिटी टैब के बगल में, ये फीचर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, बड़े बड़े क्रिएटर का प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते लेकिन सबके साथ ये गाइस इशू आई है, सबके चैनल पे सर जो है गाइस स्टोरी टैब को रिमूव कर दिया गया है। अब गाइस, ये क्यों किया गया है ये तो ऑफिशियली जो है यूट्यूब वालों ने अभी कुछ बताया नहीं है, और अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो गाइस आपके चैनल पे से स्टोरी टैब रिमूव नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्टोरी टैब का फीचर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब गाइस, आप सोचोगे कि आपके चैनल में से स्टोरी का सेक्शन क्यों हटा दिया गया है, तो गाइस मैंने भी कुछ यही सोचा था। गाइस, आपके चैनल पे से स्टोरी टैब हटाया नहीं गया है, यूट्यूब का कोई फीचर हो सकता है या फ्यूचर का कोई अपडेट हो सकता है कि वो चाहता है कि ये जो स्टोरी का सेक्शन मिलता है ये आपको ना मिले, यानी इस तरीके से ना मिले, लेकिन स्टोरी का यूज़ जो है किसी और तरीके से यूज में दिखाएगा। अब गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी स्टोरी जो है, मैंने फिलहाल में मैंने स्टोरी लगाई, मैंने सोचा क्या पता मेरे चैनल से रिमूव हो चुका, जब मेरे को स्टोरी का यहाँ पे सेक्शन दिखा तो मैंने एक स्टोरी लगा दी। तो गाइस, यहाँ पे आप स्टोरी देख सकते हो कि 7 लोगों ने स्टोरी को देखा है और इस तरीके से शो हो रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस तरीके से स्टोरी शो हो रहा है, और बस आपके यहाँ से रिमूव किया गया है, यानी आपके चैनल के फीचर में से रिमूव किया गया है, लेकिन आपका स्टोरी टैब है अभी भी। और आप यहाँ पे चैनल पे विजिट करके यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे अपने लोगो पे क्लिक करते हो चैनल वाले लोगो पे, आपको स्टोरी टैब दिखा दिया जाएगा और जो भी स्टोरी आपने मेंशन की है उस तरीके से। सो गाइस, आपके चैनल पे जो है स्टोरी टैब रिमूव नहीं हुआ है, पहले मैंने भी यही सोचा था लेकिन आपके चैनल पे से रिमूव नहीं हुआ है। सो गाइस, आप इसके लिए पैनिक मत होना क्योंकि आपका स्टोरी टैब कहीं नहीं गया है। बस हाँ, ये है कि क्या पता हो सकता है कि यूट्यूब का ये नेक्स्ट अपडेट हो जिसमें वो मेंशन करेगा कुछ ना कुछ फीचर के बारे में, या तो यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में आपको पता ही होगा, क्या पता वो इंक्लूड कर दे इस फीचर की जगह। और यहाँ पे जो फीचर देखने को मिलता है गाइस, ये इसी तरीके से वर्क कर रहा है, स्टोरी टैब आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, हर लोगों के पास जा रही है स्टोरी टैब, जैसे आपकी रीच बढ़ती है उसी तरीके से स्टोरी आपकी जगह जगह पर जा रही है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं स्टोरी पे, और आप अपने चैनल वाले लोगों पे भी क्लिक करके और चाहे तो बीटा स्टूडियो में आप अपनी स्टोरी का एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।